You can observe here in this diagram, this is the inclined plane, and man is moving down this inclined plane with this speed, 2 root 3 meter per second. That means this is the velocity of the man. We know the magnitude and direction of the velocity. Okay? You can observe here in this situation that apparent direction of the rain. That means the direction of the rain as seen by this man is vertical. is pass apparent direction rain key. It is not the actual direction. तो मैन को अपीयर होगी ये रेन वर्टिकल डायरेक्शन में जबकि एक्चुअल स्पीड ऑफ द रेन की मैग्नीट्यूड हमें मालूम है फाइव मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सेज एट व्हाट एंगल विद द वर्टिकल शुड ही कीप हिज अम्ब्रेला फॉर ही इज एट रेस्ट सो दैट ही डज नॉट गेट ड्रिंज्ड दैट मींस अगर ये मैन मूव करने के बजाय इंक्लाइन प्लेन में रेस्ट में आ जाए तो उसे किस डायरेक्शन में अम्ब्रेला रखना पड़ेगा रेन से बचने के लिए अगर ये रेस्ट में आता है दैट ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज जीरो तो जो रेन की डायरेक्शन और मैग्निट्यूड देखेगा और की मैग्नीट्यूड ऑफ द रेन हम लोगों को मालूम है फाइव मीटर पर सेकेंड दैट मीन इन दिस क्वेश्चन वी नीड टू कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ द रेन

This is 2 root 3. So, this component vertical component will be equal to 2 root 3 cos 60. Cos 60 is equal to 1 by 2. So, this is equal to 1 by 2 me 1 by 2 say 2 cancel root 3 meter per second. This is the vertical component. Similarly, we can write the horizontal component. This horizontal component will be equal to 2 root 3 sin 60. Sin 60 this is root 3 by 2. So, this is a रूट थ्री मल्टीप्लाइड बाई रूट थ्री थ्री एंड टू एंड टू विल अब मैं यहां पे इस पार्ट ऑफ क्वेश्चन को कॉपी कर लेता हूं और क्वेश्चन में जो पूछा गया था उसको मैं एक बार फिर से पढ़ता हूँ यहाँ पे पूछा गया है एट वॉट एंगल विदर्टिकल ही वेन ही इज एट रेस्ट मीन हमें डायरेक्शन ऑफ द रेन कैलकुलेट करनी है तो ये हमारे पास था वैक्टर ट्रेंगल सपोज द डायरेक्शन ऑफ द रेन विद द वर्टिकल इज थी मैग्निट्यूड हमें मालूम है सेकेंड हमें ये गिवेन है तो इसको हम लोगों ने यहाँ पे थीटा कर लिया राइट right? और ये कंपोनेंट मालूम था ये कम्पोनेंट मालूम था और ये भी हम लोग जानते हैं फाइव मीटर पर सेकेंड नाउ वी कैन ऑब्जर्व हेयर दिस इज अ राइट एंगल ट्रैंगल राइट अगर हम लोग यहां से यहां तक और फिर ये देखें तो राइट एंगल ट्रैंगल है दिस इज ए राइट बी सी

4 minus root 3 plus root 3 that means 4. So, here we can write 10 theta is equal to c d divided by a d. C d ki value deta now, this is 3, and this is a d is equal to x plus root 3 that means equal to 4 minus root 3 plus root 3. So, this will get cancelled, this is 3 by 4 and this is 3 by 4, that means theta is equal to 37 degree.

Please visit www.senghage.co.in to buy a copy. You can also buy the books from Amazon or Flipkart.